दोस्तों, आज जो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, और उसके लिए मैं अपने गुरु अमृत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया मेरा, मुझे उन्होंने भेंट किया, उनका बहुत बहुत आभार। बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया उन्होंने। बीके जी नमस्कार। विनीत जी प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी प्रकाशन राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता से जो प्रकाशित अब तक की कॉमिक्स हैं, एक बार मैं चाह रहा हूँ कि अपने हाथ से मैं आप तक वो सभी कॉमिक्स आपको दिखा दूँ। शुरुआत करते हैं पहली कॉमिक्स। आदि पर्व सबसे पहली कॉमिक्स ये वो राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता में प्रकाशित हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉमिक्स को आप सभी ने पसंद किया, इसको इसकी कहानी को, इसके चित्रों को आपने सराहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसी कॉमिक्स के साथ जो पब्लिश हुई थी वो कॉमिक्स थी आपकी नागप्रलय। नागराज और तौसी ये दोनों पहली बार इस कॉमिक्स में आए थे। तीसरे नंबर पे जो कॉमिक्स प्रकाशित हुई है उसका नाम है सुपर कमांडर ध्रुव की न्यू सीरीज की ट्रैप। इसका अगला भाग जो है वो अभी इस पे कार्य चल रहा है। अभी जी नमस्कार। आशा है ये कॉमिक्स जिन्होंने के पास नहीं पहुंची है वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। कॉमिक्स राज कॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर पे भी उपलब्ध है और अमेजन से भी आप इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। हमारे जो अन्य सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, उनसे भी आप ये कॉमिक्स सभी मंगा सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कॉमिक्स अड्डा, नीरज जी का, उमा कार्ट, भेजी का, राम राम कॉमिक्स गाजियाबाद, और रवि जी का कॉमिक्स हवेली, उमा कार्ट अभय जी का, देव कॉमिक्स से भी आप इसे मंगा सकते हैं। तीसरे नंबर की कॉमिक्स आपको दिखाई मैंने, अब नंबर आता है चौथे और पांचवें नंबर की कॉमिक्स का। तहसीन अख्तर जी, जल्दी बताता हूँ उसके बारे में भी। अभिनव जी नमस्ते। तो मित्रों, चौथे नंबर की कॉमिक्स है अपनी को भी भेड़िया की दोषपूर्ण। इस कॉमिक्स को भी सभी ने पसंद किया है। पहला भाग है इसका, दूसरा भाग भी प्रकाशित हो चुका है। ये सभी कॉमिक्स आप अपने ऑनलाइन स्टोर से राज कॉमिक्स के मंगा सकते हैं, और अमेजन से, और हमारे सभी जो भी विक्रेता हैं आप उनके पास इनका आदेश कर सकते हैं। पांचवी कॉमिक्स है आपकी डोगा की कचरा पेटी। इसका भी दूसरा भाग जो है उपलब्ध है, और तीसरा भाग बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। छठे नंबर पे जो कॉमिक्स हम लेके आए हैं, कॉमिक्स है अश्वराज या बांकेलाल सीरीज की अबूरा का तिलिस्म। इसका दूसरा भाग बहुत जल्दी आप तक आएगा, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सातवें नंबर पर जो कॉमिक्स हमने प्रकाशित किए है मित्रों, उसका नाम है किसने झापड़ मारा ध्रुव को। ये राज कॉमिक्स का जो किड्स यूनिवर्स है उसकी कॉमिक्स है। ये
बहुत से पाठकों ने पसंद किया और अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये कॉमिक्स उन्होंने दी और सभी इस कॉमिक्स के इन किरदारों के कहानी के फैन हुए। गुड इवनिंग राजीव जी। रमेश जी ऐसा नहीं है, मैंने आपका अभी देखा है पहली बार ये कमेंट। आठ नंबर की कॉमिक्स यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी। हाँ जी, आठ नंबर पर प्रकाशित हुई थी डोगा की कचरा पेटी का द्वितीय भाग मेरी सोनू। जी रमेश जी जरूर। नौवे नंबर पर आधिपत्य है दोषपूर्ण का द्वितीय भाग, इसका तीसरा भाग रणबेरी बहुत जल्दी ही आप तक पहुंचेगा। और दस नंबर, तो मित्रों दस नंबर पर जो कॉमिक्स आई है वो हमारी जो पहली नंबर पे कॉमिक्स आई थी आदि पर नाग ग्रंथ सीरीज का द्वितीय भाग, नाग पर्व। नरेश जी गुड इवनिंग। मनोज जी हेलो। 11 नंबर पर जो कॉमिक्स प्रकाशित की गई एक बहुत बहुप्रतीक्षित कॉमिक्स थी, स्वामी भक्त रखवाले सीरीज से कुत्ता पंथी। इसके सेकंड पार्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो कॉमिक्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और इसके बाद 12वें नंबर पर जो कॉमिक्स प्रकाशित की गई ये भी बहुत पुरानी एक रुकी हुई कॉमिक सीरीज थी, पुनरुत्थान। इसकी सीरीज का नाम भी पुनरुत्थान है, जिसके अंदर आपके सभी जो हीरोज हैं उनका दोबारा से उत्थान किया गया है। राजीव जी गुड इवनिंग। बेहतरीन स्टोरी लाइन है इसकी और आप सबने इसे पसंद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 13 नंबर पर जो कॉमिक्स है वो ये भी बहुत टाइम से रुकी हुई कॉमिक्स थी, बोधी वाला थानेदार। और दोस्तों दो साल में हम लोग ये 14 नंबर कॉमिक्स है हैप्पी वैलेंटाइन डे अगेन हास्य इंडोला सीरीज की किड्स यूनिवर्स से। विश्वजीत जी प्रणाम, जिनकी भी ये कॉमिक छूट गई है जो जरूर लीजिए। प्रशांत जी गुड इवनिंग। तो ये अब तक का सफ़र, इसके अलावा कुछ कॉमिक्स हैं जो कि हम कलेक्टर एडिशन में बना चुके हैं, हालांकि ये कॉमिक्स अब आउट ऑफ स्टॉक है, जहां भी आपको मिलती है आप ले सकते हैं। यशपाल जी नमस्कार, सोनू जी हेलो, राहुल जी गुड इवनिंग। तो दोस्तों ये कुछ नई कॉमिक्स जो हैं आप तक हम लेके आए हैं अभी तक। एक कॉमिक्स रह गई है जिसका नाम है प्रकोष्ठ के कैदी। मेरे पास मिसिंग है, वो मिल गई 15 नंबर। तो अब तक ये 15 कॉमिक्स आपके पास नई कॉमिक्स आ चुकी हैं।
सोनू जी हेलो, अनादी जी सादर प्रणाम आपको भी। अभी रिसेंटली हमने भोकाल का प्रथम भोकाल सीरीज जो है वो रिप्रिंट की थी। 5 कॉमिक्स हैं इसमें, मेरे पास अभी दो ही कॉमिक्स उपलब्ध हैं। और इसका विशेष जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रथम भोकाल सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं, तो उसमें आगे आपकी मृत्युरथी कॉमिक जल्दी आप तक पहुँचेगी। इसके प्री ऑर्डर लग चुके हैं, इसलिए मैं चाहता था कि इसके साथ जुड़ी हुई जो भी कॉमिक्स हैं वो उपलब्ध की जाए। इसे आप देख सकते हैं अंदर, इसकी प्रिंटिंग जो है वो पहले से बहुत ही बेहतरीन प्रिंटिंग है। जिनके पास अगर ये कॉमिक्स पहले की है वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत डार्क थी वो कॉमिक्स, लेकिन ये कॉमिक्स बहुत ही शानदार प्रिंटिंग में आ रही है, पूरी सीरीज 5 कॉमिक्स की। इसके अलावा क्योंकि ये 5 कॉमिक्स के बाद भोकाल की 2 कॉमिक्स की सीरीज और आई थी, अंतर्द्वंद और धिक्कार, जिसके अंदर हम भोकाल का जो भी अंतर्द्वंद है, जो उसके वो अपने मातृभूमि और कर्मभूमि को लेके उसके साथ जो भी उसके दिमाग में चलता रहा है आज तक, उस अंतर्द्वंद को हमने कोशिश किया था कि कुछ एक्सप्लेन किया जाए, कुछ एक्सप्लोर किया जाए। परंतु ये 2 कॉमिक्स के बाद उसमें थोड़ा व्यवधान आ गया क्योंकि भोकाल को युगम ने अपने युगम क्षेत्र में बुला लिया था, सर्वनायक प्रतियोगिताएँ शुरू हो गई थी, जिसके कारण ये कॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो युगांधर कॉमिक्स में जाके एक बाधित हो गई थी। अब उसको हम दोबारा से युगम क्षेत्र से निकाल के जहाँ ये कॉमिक्स बाधित हुई थी उससे आगे इस कहानी को लेके जा रहे हैं। आप यकीन मानिए बहुत ही शानदार आपको कहानी मिलेगी इसमें। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी जो इस वर्ष की कॉमिक्स है, कॉमिक्स नंबर 16, बहुत बहुप्रतीक्षित कॉमिक्स नागपलोप। माफ़ी चाहूँगा, ये मिरर इमेज के कारण आपको उल्टी दिख रही है। तो दोस्तों, नागपलोप बन के आ गई है और मंगलवार को सभी विक्रेताओं को ये कॉमिक्स उपलब्ध करा दी जाएगी और मुझे लगता है अगले सप्ताहांत तक आप सभी के पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी जय हो आपकी भी। कॉमिक्स का पार्श्व भाग जो है आप देख सकते हैं, मुख पृष्ठ आदिल जी ने बनाया है, मोइन खान जी ने इसकी कलरिंग की है। अंदर के मैं आपको एक दो पृष्ठ दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये अपना तोसी बिल्कुल नए लुक में। पैंट टी शर्ट हमारे धीरेन्द्र नेगी जी तो अपनी किताब में बुकमार्क लगा के रखते हैं जो पेज उन्हें खोलने होते हैं। मैं आगे से इसी तरह की तैयारी करके रखूँगा। तौसी जी, ये आपका पात्र तौसी है, इसको आप एक्शन में देख सकते हैं।
नागराज एक्शन में। तो दोस्तों अमर ज्योति जी नमस्ते। आपने देखा होगा कि बेहतरीन आर्टवर्क के साथ नागप्रलोप आप तक आने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। जिनके भी अभी प्री ऑर्डर्स नहीं लगे हैं, अपने प्री ऑर्डर जल्दी से जल्दी कीजिए। मंगलवार को ये कॉमिक्स हम रिलीज़ करने वाले हैं और संभावना है कि अगले सप्ताहांत में आप लोगों तक ये कॉमिक्स पहुँचने शुरू हो जाएगी। राजीव जी धन्यवाद। और विपिन जी, स्पाइन है ये मेरे पास अभी कॉपी जो आई है इसमें स्पाइन नहीं है, स्पाइन के साथ ही आपको कॉपी मिलेगी। अनु जी गुड इवनिंग। हाँ जी श्रेय जी भोकाल, तो आपने बोल दिया तो भोपाल भी आ गया सामने आपके। मृत्युरथी, दोस्तों इसी की बात मैं कर रहा था आपसे। प्रथम भोकाल सीरीज और धिकार अंतर्द्वंद के बाद अब दोबारा से भोकाल के जो तिलिस्म संसार है, तंत्र और तलवार के धनी भोकाल के तिलिस्मी संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं। 3 पार्ट की ये सीरीज है। आशीष जी, मृत्युरथी भी नागप्रलोक के साथ ही आ रही है, जैसे कि मैं बता रहा था 3 पार्ट की सीरीज है, 32-32 पेजों में। मृत्युरथी, अग्निखंड और अग्निवध तीनों कॉमिक्स बन के तैयार हो चुकी हैं। रेगुलर आपके इंटरवल में ये तीनों पार्ट आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। रमेश जी, किंडल का अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमने कुछ कॉमिक्स किंडल में डाली थी लेकिन किंडल में कुछ आगे कॉमिक्स डालने में कुछ परेशानियां आ गई जिसके कारण अभी किंडल को हमने रोक दिया है। अभिनव जैन जी धन्यवाद। संदीप जी शानदार तो है। अभीष जी, अभी ये 2 नई किताब आ रही हैं एक साथ, कॉमिक्स नंबर 16-17। इसके अलावा अगले कॉमिक्स का 18-19 नंबर की कॉमिक्स का भी प्री ऑर्डर लग चुका है जिसमें बलिदान तुम्हारा और रणभेरी भेड़िया की है। दोनों अपनी अपनी सीरीज के तीसरे पार्ट्स हैं। अमित जी नमस्कार। दोस्तों ये हो गया इसका मुख पृष्ठ, ये पार्श्व पृष्ठ कहेंगे इसे। आप देख सकते हैं इसमें आप भोपाल को एक सलीब पे लटका हुआ देख रहे होंगे। भोपाल का जीवन कभी भी खुशनुमा नहीं रहा है, हमेशा भोपाल का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मृत्युरथी यानी मृत्यु के रथ पे जो सवार है या जो मृत्यु के रथ को चला रहा है, इसमें आप देखते हैं कि भोपाल ने एक तलवार उठाई हुई है जिसके एक तरफ भोकाल का फेस है और दूसरी तरफ उसके सबसे पुराने जानी दुश्मन फूचांग का फेस आप देख रहे होंगे। और ये इसमें बहुत बड़ा एक रहस्य है कि फूचांग के पास भोकाल शक्ति कैसे है। गुरमृत जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों अंदर का मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ और इस तरीके से बन गया भोकाल। जगदीप जी चंगा, असी चंगे हैं,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਯਹੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਆਜ ਕਾ ਕੋਮਿਕ ਜੋ ਮੁਝੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਨੀ ਥੀ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਥੀ।